हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज मैं जा रही हूँ वो अपना प्रॉमिस पूरा करने जो मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि आपको मेरी जो फेवरेट प्लेस है वहाँ पे एक और एक गार्डन था, पार्क था, यामाशिता पार्क। तो वो बहुत बड़ा पार्क है और मुझे वो आपको दिखाना है। तो आज का मौसम बहुत अच्छा है तो मैं आज जा रही हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है, शॉपिंग करनी है। उसी के पास एक मॉल है वहाँ पे, तो मैंने सोचा है कि जाते जाते आपको वो पार्क दिखा दूँ। उसकी थोड़ी झलक मैंने पिछले वाले व्लॉग में दिखाई थी आपको। अगर किसी ने वो व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में भी है मेरे, और उसका नाम है माय फेवरेट प्लेस इन जापान। सो प्लीज़ गो एंड वॉच इट। तो हम चलते हैं फिर से अपने पार्क। जगह मिली है छाव वाली, मैं बैठ के एंजॉय कर रही हूँ। बहुत सुंदर है जापान फ्रैंकली स्पीकिंग, पर सच बात ये है कि ये ब्यूटीफुल प्लेस इसलिए बहुत अच्छी है, जापान का इतना नाम इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। आप देखोगे इतने बड़े पार्क में कोई पेड़ पौधों को हाथ भी नहीं लगाता है, कोई तोड़ता भी नहीं है। एंड आई विल शो यू बैकग्राउंड व्यू, सी दिस। सब अपना अपना दूर से देखते हैं, आपको कहीं पर भी कचरा गार्बेज, इतने फूल है, किसी की हिम्मत नहीं है कि ये फूलों को हाथ लगाए तोड़े, कोई नहीं। सी दिस, मुझे यहाँ आके तकरीबन 6-7 महीने हो गए, मैंने अभी तक जापान के किसी पेड़ पौधों को हाथ नहीं लगाया, कभी हिम्मत ही नहीं हुई, यहाँ पे कभी कोई हाथ नहीं लगाता है। तो इसलिए शायद यहाँ का नेचर, यहाँ की ब्यूटी वैसी ही बरकरार है और लोग यहाँ के नेचर का बहुत ख्याल रखते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत सीखने जैसी बात है और हमें भी ये सीखना चाहिए। तो चलो चलते हैं, ये भी मेरा फिनिश्ड हो गया है, डस्टबिन देख के कहीं पे फेंकना पड़ेगा मुझे, और आपको फिर से दिखाना भी है। लेट्स गो। यू कैन सी दिस इज़ द पार्क एंड ये रोड साइड एरिया है, कचरा तो बिल्कुल नहीं है, बस पत्ते गिरे हुए हैं। और यहाँ पे रोड साइड पे लिलीज लगी है, शायद मैं गलत नहीं हूँ, इसका नाम लिली है। अगर ये हमारी कंट्री होती या फिर कोई भी छोटा बच्चा आता और ये तोड़ लेता लिलीज, जैसे किसी ने हाथ नहीं लगाया। और सारे फूल मुरझा के गिर जाएंगे पर कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा, जैसे यहाँ पे रैंडम ऐसे ही लिलीज लगे। यहाँ पर एक दिखेगा आपको और उधर साइड में भी एक है, उधर साइड में है वो, पर कोई हाथ नहीं लगाता है पेड़ों को, कोई नहीं। वहाँ पर भी बहुत सारे फूल है, यू कैन सी। वो वाला पार्ट जो है, वो वाला साइड मैंने वो पिछले व्लॉग में डाला था, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया है। देखो ये रैंडम सा फूल है, कोई नहीं हाथ लगाता है। शॉपिंग डन, जस्ट घर आई हूँ, भूख भी लगी है और कुछ बना के खाते हैं।
शॉपिंग के साथ साथ मैंने कुछ ग्रोसरी भी लाई है। बहुत दिन से आम खाने की इच्छा थी और बहुत महंगे आम, तो मैंने ये पल्प जैसा कुछ लाया है, सेल में चल रहा था, 50 yen। ये 50 yen, और ये मैंने पहले ट्राई किया है पाइनएप्पल। इट्स गुड, बट इसको थोड़ा हम अगर निकाले टिन से तो ग्लास के जार या फिर अदर हमारे कंटेनर में निकाल के रखना पड़ता है, यहाँ पे नहीं, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये पहली बार ट्राई करूँगी, ट्राई करके मैं आपको बताती हूँ। ये चेरी टोमेटोज, ये भी सेल में था, आपको दिख रहा होगा, ये 206 206, 206 yen का था और मुझे सेल में 103 का पड़ा है, टैक्स लगा के 112। तो ये चेरी टोमेटो, अंडे मेरे फेवरेट, इसके बिना नो नो नो, पोटैटो, आलू और अंडे, ये मेरे फेवरेट है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं और आपके लिए कंटेंट बनाऊं। बहुत भूख लगी थी तो सुबह के कुछ चावल है तो मैं तवे पे गरम करूंगी और ऑमलेट बनाऊंगी। मैं खाना खाती हूँ। आपको आज का व्लॉग कैसे लगा प्लीज़ ज़रूर बताइए। बाय।